अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना आदिल, ये है रिम पाकिस्तान 90 सेकंड्स। हुकूमत की एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत 12 रुपए बढ़ाने की समरी वजारत खजाना को अरसाल कर दी, फैसला कल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी को काम से रोक दिया, काबीना को तैनाती के फैसले पर नजरसानी का हुक्म। कोरोना के वार एक बार फिर तेज, एक माह बाद 24 घंटे में 3000 से जायद केसेज रिपोर्ट, 46 अफराद जान बहक। पाकिस्तान की चीन के साथ बरतानवी वैक्सीन को भी लाने की तैयारी। आटा चीनी के बाद अब घी की कीमतों को पर लग गए, 1 किलो घी की कीमत 280 रुपए फी किलो तक पहुँच गई, इंतजामिया खामोश तमाशाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दो बड़ों में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए, सीईओ वसीम खान बेख्तियार, चेयरमैन एहसान मानी ने तमाम इख्तियारात अपने पास रख लिए, दोनों के इख्तलाफात से बोर्ड के अमूर ठप हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंडी फ्लावर से मुआयदा कर लिया, शुएब अख्तर का दावा, हेड कोच मिसबाउल हक की जल्द छुट्टी हो जाएगी, बोर्ड टीम सिलेक्शन के इख्तियारात पहले ही मिसबाउल हक से वापस ले चुका है। कोलंबियन गुलूकारा शकीरा ने अपने तमाम गीत फरोख्त कर दिए, बरतानवी म्यूजिक कंपनी ने 145 गाने भारी कीमत के इवज खरीद लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान और जुमायमा गोल्डस्मिथ की मोहब्बत पर बनने वाली फिल्म में सजल अली का मरकजी किरदार, व्हाट्स लव गॉट टू डू, जुमायमा ने खुद लिखी है। देखते रहे रिम पाकिस्तान 90 सेकंड्स।